चुनावी रन शुरू हो गया और ऐसे में आप बीजेपी के बाद जेजेपी ने भी हरियाणा में 5 लोकसभा सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इस समय मेरे साथ मौजूद है गुरुग्राम लोकसभा से जेजेपी प्रत्याशी राहुल फाजलपुरिया, मैं उन्हीं से जानता हूँ। पहले आप सिंगिंग में अपना करियर बनाया, आप उसके बाद राजनीति में अपने हाथ जो है अजमाने जा रहे हैं, किस तरीके से तमाम चीज़ों को देखते हैं? जैसे मेरा सिंगिंग में भी पूरा स्ट्रगल रहा है और मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जिसने कभी माइक भी पकड़ के नहीं देखा था, उसमें भी मैंने एक मेरा जिसको कहते हैं कि अच्छे मुकाम पे पहुँची। और राजनीति में भी हमारे घर से कोई सरपंच या कोई मेंबर भी नहीं रहा, तो इसमें भी मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। लेकिन हाँ, एक वो एनर्जी हम पॉजिटिवली हम जनता के साथ कनेक्ट करना चाहेंगे कि हम अच्छा काम करें, अच्छी सोच रखें, अच्छे विचार करें। जो मुद्दों के ऊपर काम नहीं हुआ है, जो हम बचपन से आज तक फेस करते आए हैं, चाहे वो स्कूल की, हॉस्पिटल की हो, रोड्स की हो, उनके ऊपर काम करेंगे। एक सेलिब्रिटी हैं सोशल कोज में, हमेशा आपको देखा गया है, वो चाहे ट्री प्लांटेशन की बात करें, क्योंकि गुरुग्राम विश्व के मानचित्र पर कहीं ना कहीं पोल्यूटेड शहर में सबसे अपने अव्वल दर्जे पर कहीं ना कहीं नजर आता है, और तमाम चीज़ों की बात करूँ उसमें कहीं ना कहीं राहुल फैजलपुरिया सबसे आगे नजर आए। अब चुनावी दौर है और समय कम है, किस तरीके से अपनी पूरी टीम को मैनेज करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे? सर, मैंने ये मेरी टिकट नहीं है, ये मेरे युवा साथियों की, मैं ये टिकट उन्हें समर्पित करता हूँ और मैं उनकी ड्यूटी लगाऊंगा कि अब आपको सबको राहुल फाजिलपुरिया बनके इलेक्शन लड़ना है। किसी को भी मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए, सबको खुद में अपने एक हौसला डालना है कि भाई हाँ, मैं ही फाजिलपुरिया हूँ और मैं ही ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। 4.5 साल की बात कर लेते हैं, जेजेपी बीजेपी गठबंधन में कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार उसको कहा जाता था, लेकिन 4.5 साल के बाद बीजेपी ने जैसे दूध में से मक्खी को बाहर निकाल दिया जाता है, इस तरीके से जेजेपी को बाहर कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे, अब कितनी मजबूत जेजेपी पार्टी है प्रदेश की बात करूं, या कहीं ना कहीं उसको फायदा हुआ है अलग होने से, या फिर काफी नुकसान दे? सर देखिए, ये विचारों की बात रही है कि उन्होंने अपनी कुछ कंडीशंस रखी, उस पर शायद बीजेपी खुश नहीं होगी। तो हमारी जो पार्टी है, हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो, हमारे पार्टी के जो नेता है, हमारे पार्टी के जो दुष्यंत भाई है, उनकी सोच है, उनका विचार है युवाओं को लेके, इस प्रदेश को आगे कैसे लिया जाए। मेरे उनसे जुड़ाव, मेरे को किसी पार्टी से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन पार्टी किस तरीके से ट्रीट कर रही है, दूध में से निकाल रही है नहीं निकाल रही। मेरे को अपनी पार्टी को मजबूत करना है, हमारे युवा साथियों को, हमारी माताओं बहनों को, जो माताओं की बात करें, बहनों की बात करें तो कहाँ सुरक्षित है, उनके लिए आवाज़ उठानी है। हमारे जो युवा भाई हैं, उनके पास आज बेरोजगार है, उनके पास गाइडेंस नहीं है, नशे की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठानी है। तो मेरे को इन मुद्दों पे काम करना है, मेरे को इससे लेना देना ही नहीं कि भाई दूसरी पार्टी क्या सोच रही है, काम कर रही है नहीं कर रही है, पिछले 10 साल में क्या कर लिया, आज हरियाणा को क्या दे दिया ऐसा अलग, जो हरियाणा का युवा ये कहे भाई हमने इस पार्टी से ये फायदा मिला और हमारा युवा यहाँ गया। राव इंद्रजीत सिंह की बात कर लेता हूँ, 4 बार से लगातार, 2 बार कांग्रेस, अब 2 बार बीजेपी से लगातार वो सांसद है, केंद्र में राज्य मंत्री है, एक अनुभवी जो है राजनेता है वो, और किस तरीके से आप देखते हैं राहुल फाजलपुरिया एक अलग फील्ड से आके वो राजनीति में अभी उतरे हैं, किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से उस चीज़ को डिफाइन करेंगे और कितने मजबूत कैंडिडेट अपने सामने मान? सर, मेरी जो लड़ाई है वो सोच की है, विचार की है। मैं कॉम्पिटिशन मानता हूँ काम करने का, कि जो वादे करे गए थे उनमें कॉम्पिटिशन करेंगे कि भाई हम वादे करें वो कितनी जल्दी पूरे करे जाए। ऐसे कितने वादे करे गए हैं, 10 साल पहले कोई कॉलेज का अनाउंसमेंट कर दिया, बोर्ड है कॉलेज के नाम पे, ईंट भी नहीं है। ऐसे कितने वादे हैं कि अस्पतालों को नया बनाने की कोशिश करी जाए, एक हाई क्वालिटीज़ हाई फैसिलिटीज़ उनको दी जाए, वो आज तक नहीं दी गई है। सरकारी स्कूल तक आज तक ठीक नहीं है, गाँव का बुरा हाल है, बस स्टैंड की जगह बस स्टैंड नहीं। तो मेरी लड़ाई रहेगी सोच की, विचार की, काम करने की। मूलभूत सुविधा की बात कर लेते हैं, जिस तरीके से हल्की सी बरसात आती है तो कहीं ना कहीं विश्व के मानचित्र पर गुरुग्राम की एक अलग पहचान है, कहीं ना कहीं वो जाम सिटी भी इसको कहा गया, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सोना रोड की बात कर लेता हूँ, जिसपे फाजिलपुर गांव लगता है, 48 घंटे से ज़्यादा उसमें महाजाम लगा था, जो सिर्फ ना देश बल्कि विदेश तक भी वो कहीं ना कहीं एक धूमिल छवि जो प्रदेश की, या फिर मैं बात करूँ गुरुग्राम की। सर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता ही है गुड़गांव का, कि ट्रैफिक लगता है शाम को, पूरी जनता परेशान होती है, बारिश आ जाती है तो पैदल निकलने का समय नहीं होता, पैदल निकला नहीं जाता। विश्व स्तर पर आपने ही बताया कि किस तरीके से बेइज्जती हुई है, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग नहीं है, और प्लानिंग जब होती है जब आपका नेता ग्राउंड में आके देखता है कि किस तरीके से काम कराया जाए। आप कुछ कंपनियों को ठेकों दे देते हैं, वो अपने हिसाब से बना के चले जाते हैं, कोई उनका मास्टर प्लान नहीं है, कोई उनका तरीका नहीं है। कितना देखा गया है कि गाँव के पहले रोड बनेंगे, फिर रोड तोड़ के सीवर डालेंगे,
फिर रोड बनाएंगे, फिर रोड तोड़ेंगे, फिर उसके नीचे दूसरी लाइन डालनी है, तो कोई प्लानिंग नहीं है, कोई काम करने का तरीका नहीं है। राहुल फैजलपुरिया का क्या विजन है, किस विजन को लेके आप जनता के बीच में हो जाएंगे, कौन सी ऐसी तीन बड़ी चीजें हैं जो सबसे पहले यदि जनता आपको चुनती है तो पहली कलम से उनको दूर किया जाएगा? सबसे पहले तो SYL के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि इससे काफी सालों से परेशान है। सबसे ज्यादा जो मेरे को लगता है कि स्कूल, शिक्षा, हॉस्पिटल, कि आज के टाइम में हमें एक अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है, अगर हमारे पास सरकारी अस्पताल अच्छे फैसिलिटीज के साथ हो, उसके बाद कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, एक हरियाणवी इंडस्ट्री अगर हमारी इस्टेब्लिश होती है एंटरटेनमेंट के अंदर, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम रहेगा, जिससे कि हमारे युवाओं को काम मिलेगा, उन्हें एक सपोर्ट मिलेगा, एक गाइडेंस मिलेगी, नशे से दूर करने की हम स्ट्रेटेजीज निकालेंगे कि इनको नशे से दूर कैसे रखा जाए, तो मैं इन मुद्दों पर काम करूँगा। सोशल मीडिया पर भी एक अच्छा खासा आपका परिवार है, 1 मिलियन से भी ज़्यादा जो है आपके जो है चाहने वाले आपके साथ जुड़े हैं। वोट की बात करूँ तो किस तरीके से वोट में उसको कन्वर्ट किया जाएगा, और जो नए वोटर्स हैं उनको किस तरीके से आप आकर्षित करेंगे, क्योंकि एक जानी मानी आप हस्ती हैं, सेलिब्रिटी, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जब से वो जुड़े हैं तो उनको पता है कि मेरा काम करने का तरीका क्या है। आज से 6-7 साल पहले भी आपने देखा होगा कि UP के अंदर कुछ बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ था, तो हमने ही आवाज़ उठाई थी सबसे पहले गुड़गांव के अंदर। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो सबसे पहले सोल्जर्स के लिए हमने गाने बनाए, हमने कैंडल मार्च निकाली। सिद्धू मूसेवाला एक हमारे बीच का भाई था, उसकी हत्या हुई, जब भी हमने सबसे पहले कैंडल मार्च निकाली, सबसे पहले हमने, आज तुम कहेंगे इंडिया का मोस्ट वांटेड बदमाश है, जिसके सामने हमने लड़ाई लड़ी। अही रेजिमेंट की जब बात आई, सोल्जर्स की फिर बात आई, तो हमने फिर आवाज़ उठाई, जेल तक काटी। तो जो मेरा परिवार, उनको जो उनको पता है कि भाई, क्योंकि उनका सपोर्ट मेरे साथ शुरू से रहा, उनको पता है कि भाई ये इस सोच के साथ काम कर रहा है, तो मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, इन मुद्दों पर मेरे साथ काम करने के लिए तैयार है। 9 विधानसभा आती हैं, गुरुग्राम लोकसभा की मैं बात करूं, तमाम जो नेता हैं चुनावी मौसम में कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाते हैं, बड़े बड़े लुभावने वादे जरूर करते हैं, लेकिन जब जनता उनको चुन लेती है तो नज़र नहीं आते। तो ऐसा तो नहीं है राहुल फैजलपुरिया चुनाव के लिए ज़रूर मैदान में है और जनता आपको चुनती है, तो उसके बाद तमाम नेताओं की तरह राहुल फैजलपुरिया भी कहीं ना कहीं जनता से धूमिल हो जाए? देखिए, ऐसा है, अगर हम बात करें ग्लैमरस की, तो ऑलरेडी मेरे पास है, और वो होने के साथ साथ मैं अपने गाँव के, अपने पुराने यार दोस्तों से, अपने गाँव के आसपास के इलाके के जितने लोग रहे उनसे जुड़ा रहूं, और जब भी मेरे को समय मिलता है मैं ऐसे कैंपेन निकालते रहते हैं कि हम अपने फैंस के थ्रू, जो अपने का मेरे एक परिवार है, हम उनसे भी मिलते रहते हैं, हम तो उनके घर तक जाते हैं। तो मेरे को तो ये अगर मौका मिलता है कि मैं इनकी सेवा कर पाऊँ, एक लोकसभा के अंदर मेरा एक नया परिवार बने, तो मेरे लिए खुशनसीब की बात होगी, और मैं उनके बीच रह के काम करना पसंद करूंगा। मैं चाहूंगा कि जो प्रॉब्लम्स हमने फेस करी हैं हमारे आने वाली जनरेशंस ना करें। तकरीबन अब 40 से 50 दिन का जो है टोटल समय रह गया, इस बीच कहीं ना कहीं जो आपके फैंस हैं उनको कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, तो उनको लेके किस तरीके से आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे, कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो उनको डेलीगेट करेंगे आप? मैं अभी तो उनको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अभी एक हमने लड़ाई लड़ने का एक कहते हैं ना कि विचार ले लिया है कि भाई हमने एक लड़ाई लड़नी है, और लड़ाई लड़नी है हमारे युवाओं के लिए, एक जनरेशन के लिए। तो गाने हम बनाते रहेंगे, पिक्चर भी बनाते रहेंगे, और भी अच्छी चीज़ें देते रहेंगे, लेकिन अभी हम अपने फ्यूचर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसमें आप लोग मेरा साथ दें, इस पर विचार करें, मेरी सोच जो है उसको आगे लेके जाएं। 1 महीना हमने देना है और आने वाले 5 साल बदलने हैं। हमने जो दान करना है, जिसमें कहते हैं ना कि खूनदान, खूनदान होता है एक सेवा, मतदान होता है कि हमें आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए एक सोच बदलने के लिए वो दान करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये 1 महीना मेरे साथ दे, मेरे साथ जुड़े। आप सेलिब्रिटी हैं, कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जो आपके साथ चुनावी प्रचार में अब नजर आने वाले हैं, गुरुग्राम लोकसभा की बात करें? जितने मेरे साथ रहे हैं सारे ही आपको नजर आएंगे, और जितने बड़े रहे हैं, जितने छोटे रहे हैं, हमेशा वो मेरे साथ देते रहे हैं हर कैंपेन के अंदर, तो भी आपको सारे लोकसभा, गुड़गांव लोकसभा में आपको रोज एक नया सितारा देखने को मिलेगा। हाँ, तो बिल्कुल, ये थे मेरे साथ राहुल फैजलपुरिया, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि एक विज़न लेके ये जनता के बीच में जाएंगे, और उस विज़न के साथ साथ वो चाहे सुरक्षा की बात करें या फिर शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, या फिर अन्य जो मुद्दे हैं जो पिछले 10 साल में गुरुग्राम लोकसभा की जनता जिन मुद्दों से त्रस्त है उनको कहीं ना कहीं पहली कलम से दूर करने का काम वो करेंगे यदि जनता उनको अपनी वोट से जिताती है। तो गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीप के साथ संजय राठौर।